जिनवानी से खमरिया जाने वाले मार्ग की जर्जर अवस्था को देखकर यह बताना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इस मार्ग पर चलना ऊंट की सवारी करने से कम नहीं है। इस मार्ग ने भिलाई निगम के उस दावे की पोल खोल कर रख दी है जो बरसात के पूर्व किया गया था कि बरसात लगने से पहले निगम क्षेत्र की सड़कों को संधारण कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन करने में सहूलियत हो सके। निगम का दावा धरा का धरा रह गया और सड़कों की हालत बद से बदतर। आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे बसों में परेशान होते हैं, आए दिन हमारी टीचर्स के एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वो गड्ढों को बचा के चलने में या निकलने में उनका कहीं चक्का फिसल जाता है तो वो गिर जाती हैं, तो बहुत ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। और जो बच्चे अपने आप आते हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं लिया हुआ है उनके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि आप कुछ करिए। हमने इस संदर्भ में महापौर जी को एक पत्र भी दिया हुआ है, वो हमारे यहाँ आए थे पिछले दिनों और उन्होंने खुद ही कहा कि हम इस बारे में करेंगे, तो उम्मीद तो है कि आने वाले समय में इस पर कुछ काम होगा। गुजारिश है सभी से कि कुछ काम हो क्योंकि हम सब बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ कि इस पर कुछ हो ताकि बहुत हमारे यहाँ लगभग 3,500 बच्चे आए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, प्रोग्राम होती है, तो ये सभी में बहुत सहूलियत हो जाएगी क्योंकि जो सुविधाएँ हैं वो बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए ही तो हैं।